जय हिंद दोस्तों, मैं हूं योगेश गुप्ता और आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हुंडई ऑरा सीएनजी वेरिएंट के बारे में। ये कार केवल आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी, एससीएनजी और एसएक्ससीएनजी। ये जो वेरिएंट आप सामने खड़ा देख रहे हैं ये एसएक्ससीएनजी वेरिएंट है। इस वेरिएंट की कॉस्ट पड़ने वाली है आपको 8.87 लाख एक्स शोरूम, जो जाएगी लगभग 10.02 लाख ऑन रोड तक। वहीं अगर आप इसके एससीएनजी वेरिएंट की बात करें तो वो पड़ेगा आपको 8.10 लाख एक्स शोरूम, जो जाएगा 9.16 लाख ऑन रोड तक। फ्रंट प्रोफाइल आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे हुंडई का सैटिन फिनिश में लोगो देखने को मिलेगा। वहीं पे आप ग्रिल अगर देख पाए तो बहुत पतली सी ग्रिल यहाँ पे आपको ऑफर करी जाती है, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है। वहीं नीचे अगर आप रेडिएटर ग्रिल देखें तो वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप अंडर बॉडी देख सकते हैं और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ये कार आपको ऑफर करती है। लाइट सेटअप आप देख सकते हैं, आपको इसमें हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। सराउंडिंग इसकी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है, उसी के साइड में टर्न इंडिकेटर्स। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मस्त से DRL देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी यूनिक है। और यही साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वर्किंग वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। हुंडई अभी अपनी लगभग सारी गाड़ियों में ऐसे वर्किंग वेंट्स दे रहा है। साइड प्रोफाइल आप देख लीजिए, आपको इसमें नए अलॉय अब ऑफर किए जाएंगे। डायमेंशन 3995 इसकी अब लंबाई हो चुकी है। व्हील बेस भी मस्त है, 2450 mm का व्हील बेस है। डोर हैंडल पे आप क्रोम देख सक रहे होंगे। क्लैडिंग आपको बॉडी कलर में मिलती है। अब इसमें आपको पहले से बेहतरीन डायमंड कट अलॉय देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आप डिस्क देख सकते हैं। टायर की साइज की बात करी जाए तो 175/60 R15 15 इंच के टायर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल एक बार और देख लीजिए, टायर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जिसपे टर्न इंडिकेटर इंडिकेटेड है। यही साइड में देखेंगे तो आपको डोर हैंडल्स पे क्रोम ऑफर किया जाता है। साइड बॉडी देख लीजिए, आपको कोई भी विंडो लाइन पे क्रोम नहीं देखने को मिलेगा। पी पिलर भी आपका ब्लैक मैट फिनिश में ऑफर किया गया है। यहीं पे आप देख सकते हैं फ्यूल लिड, इसे फ्यूल लिड से आप सीएनजी प्लस पेट्रोल एक साथ फिलअप कर सकते हैं। गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात करी जाए तो अब ये काफी स्पोर्टी और काफी बेहतरीन, पहले से ज्यादा अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं अब इसमें स्पॉयलर्स भी दिए जाते हैं और उसी स्पॉयलर पे आपको पीछे रिफ्लेक्टर या स्टॉप लैंप दिया गया है। स्पॉयलर्स की वजह से अब ये कार पहले से ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। बॉडी कलर में आपको स्पॉयलर्स देखने को मिल जाएंगे। जेड शेप में ब्यूटीफुल टेल लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ आसपास सराउंडिंग में इसके ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, इसमें आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं नीचे आप रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। रियर बम्पर आप देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ये रही आपकी अंडर बॉडी, रियर वाइपर नहीं मिलेगा, रियर डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, साथ ही साथ आपको बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना इसमें देखने को मिल जाएगा। रियर प्रोफाइल से कार बहुत बढ़िया लगती है। चलिए बूट स्पेस खोल लेते हैं। इसमें आपको सीएनजी टैंक ऑफर किया जाता है जिसकी कैपेसिटी 60 लीटर्स है। 8 से 10 किलो सीएनजी आप इसमें फिलअप करवा सकते हैं। टैंक लगवाने के बाद आपको इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस बच जाएगा, जो कि काफी सफिशिएंट है। 2 से 3 बैग आप आराम से रख पाएंगे। स्पेयर टायर साइज की बात करी जाए तो आपको इसमें स्टील में देखने को मिलेगा, जिसका साइज होगा 165/70 R14। 1 इंच छोटे टायर साइज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो आपको इसमें 65 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल एक बार और देख लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी इसमें एडअप नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ऑड सा लग रहा है। बॉडी कवरिंग्स यहाँ देनी चाहिए थी।
इंसुलेशन वगैरह यहाँ प्रोवाइड करना चाहिए था। इसको बंद कर देते हैं। रियर प्रोफाइल इसकी काफी बेहतरीन लगती है। अब चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाता है। क्रोम हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डोर्स की बात करें तो आपको डोर्स पे ये सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये वन टच है, बाकी सारे आपको मैनुअली ऑपरेट करने पड़ेंगे। विंडोज लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। ये आपका लॉक और अनलॉक का बटन, ये आपके ओआरवीएम के कंट्रोल्स और रिट्रैक्ट करने के लिए भी है ये ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्रोम का यूज हुआ है, ये सारा हार्ड है, ठीक है, कोई भी सॉफ्ट नहीं है, यहाँ पे हार्ड है। नीचे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे स्पीकर के प्लेसमेंट, क्रीम कलर का इंटीरियर है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक बार अंदर चल के बैठते हैं, लेकिन उससे पहले ना सीट दिखा दूँ मैं आपको। सीट आप यहाँ देखो, आपको सीट मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगी, ठीक है। सीट देखो आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल सीट देखने को मिलती है। अंदर आप देख सकते हैं ये आपका मैनुअल वेरियंट है और कुछ लेआउट इस तरह का है, काफ़ी एक्सपोज लग रहा है और कुछ क्या ही बोला। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूज़ बॉक्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आपका ये फ्यूल और सीएनजी का स्विच करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच दिया हुआ है, ये आपका मस्त सा बढ़िया सा एसी का वेंट। चलिए अब आ जाते हैं अंदर। सीट देख लो, सीट काफ़ी बढ़िया है। बाकी अब अंदर आ जाएंगे तो इधर का ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप स्विच आप ये देख लीजिए। आप एक बार इसका स्टेयरिंग देखो, स्टेयरिंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया है, राउंड स्टेयरिंग है। कंट्रोल्स देख लो पहले आप, इधर आपको वॉल्यूम अप, प्लस माइनस, फ़ोन रिसीव करने के लिए, फ़ोन से बात करने के लिए, बुकमार्क, मोड चेंज करने के लिए सारे ऑप्शन है। इधर आप देखो कुछ नहीं है, ओके, और ये बस ऊपर नीचे करने के लिए, उसमें स्विच करने के लिए। इधर आप देख सकते हैं आपको हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और यही आप देखेंगे तो आपको सारे वाइपर्स के कंट्रोल, आगे और पीछे के वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। सॉरी, पीछे वाइपर नहीं है इसमें, केवल आगे ही वाइपर है। क्लस्टर आप देख लीजिए कुछ इस तरह का लगेगा। मैं एक बार क्लस्टर को शो करता हूँ। तो कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन काफी बढ़िया लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा, रेड और व्हाइट में काफ़ी बढ़िया, रेड व्हाइट और आपका ऑरेंज में। आप देख सकते हैं आपका फ्यूल का यहाँ पे दिखा रहा है, आपका सीएनजी, यहाँ पे आपका पेट्रोल का दिखा रहा है, टैंक मतलब कैपेसिटी कितनी बची है। यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर, प्लस यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर 220 तक की मैक्स स्पीड दिखाई जाएगी भी कि नहीं पता नहीं। बीच में आपका डिजिटल हो, यहाँ बाकी सारे इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। देखो जैसे जैसे मैं ये स्विच ऑपरेट करता हूँ, वो आपका इन्फॉर्मेटिक्स चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर दिखती है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, काफ़ी इसका अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में लग रहा है। अगर आप वहीं आ जाएंगे तो ये रहा आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, क्या साइज है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस पर अगर आप जाएंगे तो एल्युमिनियम पे जाएं। टच इसका काफ़ी अच्छा है, मुझे टच इसका सही लगा। आप इसमें एंड्रॉयड या अपर कार पे है कि नहीं, ये मैं ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। रेडियो, मीडिया, बुकमार्क चेक करने के लिए, वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए, यहाँ पे आपका सीख करने के लिए, सेटअप चेंज करने के लिए सारा ऑप्शन यहाँ दिए हुए, ठीक है। सेटअप करने के लिए डिस्प्ले वगैरह अगर करना हो, सेटअप ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी हो तो आप सेटअप में जाके कर सकते हैं। बाकी आ जाइए होम बटन, एकदम बढ़िया सा लोगो, मस्त सा लग रहा है। वहीं अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एसी के वेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए, ये जो कलर है ना, इसको क्या बोलेंगे, अब जो भी आप समझ लो, जो कलर ब्राउनिश में है, बहुत प्यारा लग रहा है। इंटीरियर वाइट के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। एसी के वेंट आप देख सकते हैं, हैजार्ड की यहाँ पे स्विच है, हैजार्ड यहाँ पे ऐसे ऑन हो जाता है। नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये ऑटोमेटिक एसी नहीं लग रहा है। डिफॉगर के कंट्रोल्स, उसका ब्लोअर का स्पीड का कंट्रोल, एयर सर्कुलेशन मोड, एसी ऑन ऑफ, ये सारा ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो टाइप सी पोर्ट दे रखा है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट दे रखा है, एक यूएसबी पोर्ट दे रखा है यहाँ पे। वही थोड़ा सा नीचे और आते हैं, फ़ोन का रखने का स्पेस है, थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं यहाँ। गियर नॉब की बात करें तो आपको इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर नॉब देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम स्टर्डी सा फील होता है। ये जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, एक बड़ा एक छोटा देखने को मिलता है। हैंड ब्रेक मैनुअल है, आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। वहीं पे आप सामने इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए।
आपका नीचे जो बॉक्स है ये आपका कूल्ड है शायद, यहाँ पे देखिए एयर सर्कुलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये हो सकता है कूल्ड ग्लव बॉक्स हो। ताकि आप डैशबोर्ड देख लीजिए, पियानो ब्लैक फिनिश में ये डैशबोर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ORVM पे आते हैं, ORVM आपके मैनुअली एडजस्टेबल ORVM आपको देखने को मिल जाएंगे, इधर आपको लाइट्स मिल जाएंगी जो कि हैलोजन में है, यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का स्विच क्या है, माइक्रोफोन है। बात करें वैनिटी मिरर की तो ड्राइवर साइड में आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, वही को पैसेंजर साइड में आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिलेगा और लाइट यहाँ पे नहीं दी गई है। इधर आप देख सकते हैं आपको ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं। दूसरे डोर को आप ध्यान से देख लीजिए, दूसरे डोर में भी एकदम सेम है, क्रोम का यूज किया गया है, शीशा ऊपर नीचे करने के लिए, स्पीकर का पोजीशन व्हाइट में काफी अच्छा लग रहा है, क्रीम कलर है बेसिकली। तो ये हो गया आपका फ्रंट का लुक। अब चलते हैं पीछे, जब आप पीछे चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको डोर से कंट्रोल्स, ये डोर भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन सारा हार्ड माल है यहाँ पे, कुछ भी सॉफ्ट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल। एक बात बता दूं, दोनों सीटें जो आगे की हैं इनका हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट है। और वहीं पे आप लेग लेंथ की बात करें, इसका मेरे को ना थाई सपोर्ट और लेग लेंथ मतलब लेग स्पेस बहुत अच्छा लगा, अल्टीमेट लगा, सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको PC के कंट्रोल्स, ये फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट और दिया गया है। हम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा है चलेगा। एक और चीज़ बता दूँ आपको, ड्राइवर सीट के पीछे या इन सीट के पीछे आपको ना ये जो हो पॉकेट दे रखा है ना काफ़ी छोटा है, ठीक है, हम इसमें क्या चीज़ आएंगी पता नहीं। बात करते हैं इधर आपको, आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। कुशन की बात करें तो आपको ये लेदर सीट्स नहीं मिलेंगी, सारी आपकी कुशन सीट है। पीछे के दोनों हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल है, ठीक है, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कप होल्डर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आर्मरेस्ट विद कप होल्डर। और बात करें सीट बेल्ट की तो आपको यहाँ पे तीन पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दी हुई है, हालांकि तीसरा हेडरेस्ट आपको यहाँ नहीं दिया, लेकिन तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CNG की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये पेट्रोल CNG वेरिएंट है। डैशबोर्ड की बात करें तो आपको पीछे से कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए इसके इंजन बे खोलते हैं, यहाँ से आप इस लीवर को पुल करके इंजन बे खोल पाएंगे। इस कार में आपको 1200cc का 5 स्पीड बॉक्स के साथ इंजन देखने को मिलेगा, जो 67 BHP की पावर और 95.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करेगा। ये इंजन एक बायोफ्यूल इंजन है जो कि पेट्रोल और CNG दोनों के साथ चलेगा। एवरेज की बात करी जाए तो आपको इसमें 28 किलोमीटर पर लीटर की कंबाइंड माइलेज देखने को मिलेगी दोस्तों। बोनट में आप देख सकते हैं कोई भी डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं करी गई है। फिलहाल मैं हूँ रॉयल हुंडई ग्वालियर में। अगर आप इस कार के बारे में कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो उनका एड्रेस और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, कॉल करके आप टेस्ट राइड भी ले सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।